रूसी अधिकारियों ने सुदूर प्रिमोरी प्रांत में कैद करीब 100 व्हेल मछलियों को आजाद करने का फैसला किया है। रूस के तटीय शहर नाखोदाका की खाड़ी में बनाए गए एक बाड़े में बेलुगा प्रजाति की 87 और ओर्का प्रजाति की 11 व्हेल को रखा गया है। विशाल एक्वेरियम में प्रदर्शन और चीन से व्हेल की बड़ी मांग के मद्देनजर इन्हें कैद किया गया था, लेकिन पिछले साल इस विशालकाय समुद्री जीव को कैद किए जाने की तस्वीरें वायरल हुई थी। दुनिया भर में इसकी बेहद आलोचना हुई थी और इन व्हेल मछलियों को रिहा करने की मांग उठी थी। इस मामले में अभिनेत्री पामेला एंडरसन ने अपनी वेबसाइट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खुला पत्र भी पोस्ट किया था। इसके बाद क्रेमलिन प्रशासन ने इस मामले में स्थानीय अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया था। रूस की FSB सुरक्षा सेवा ने इस मामले में फरवरी 2019 में 4 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा भी किया था। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के ग्रुप और रूसी अधिकारियों के बीच हुए समझौते के बाद अब व्हेल की रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन व्हेल को आजाद करना भी एक मुश्किल भरा काम है, क्योंकि कैद में रहने की वजह से वे पहले से ही घायल हैं।